सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने बिजली आपूर्ति को लेकर बिजली विभाग अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि बिजली कटौती को कम किया जाए ताकि आमजन और व्यापारियों को राहत मिल सके। ज्ञापन सौंपने आए आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल और संदीप शाह ने मांग की है कि बिजली कटौती के चलते आम आदमी परेशान है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सही ढंग से नहीं की जा रही है। कोरोना की वजह से ग्रामीण क्षेत्र की हालत काफी दयनीय हो गई है। आटा चक्की संचालक और व्यापारी वर्ग परेशान है। मात्र 4 घंटे बिजली दी जा रही है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने मांगे नहीं मांगे जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कई दिनों से सिंगरौली जिले के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक स्तर पे बिजली की कटौती की जा रही है। आपको मालूम है पिछले 2 महीने से लॉकडाउन था जिले के अंदर। जो ग्रामीण क्षेत्र के आटा चक्की के संचालक हैं, वो लोग वैसे भी इस कोविड-19 महामारी में उनकी दुकानें बंद थी, लेकिन अभी बिजली विभाग के द्वारा एक ऐसा कानून लेके आया गया है, एक ऐसा नियम बनाया गया है जिसमें दोपहर में 11 बजे से शाम को 5 बजे तक सिर्फ लाइट दे रहे हैं और रात को 12 बजे से 5 बजे तक सिर्फ 10 घंटे का 24 घंटे में लाइट दिया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। जो आटा चक्की के संचालक है पिछले समय से हानि में, नुकसानदायक में है, और एक ऐसा कानून ला करके, एक ऐसा नियम बना करके लोगों को रोजी रोटी की लाले पड़ने लगे हैं। और बिजली विभाग के द्वारा जो भारी भरकम बिजली का बिल दिया जा रहा है, 5,000, 10,000, 25,000, 33,000 तक आटा चक्की संचालकों को, उस पैसे को भरने में असमर्थ हैं। और हम लोग मांग करते हैं इन 2 महीनों को जो लॉकडाउन था वो बिजली का बिल माफ किया जाए, और पूर्व में जैसा बिजली विभाग के द्वारा 24 घंटे का बिजली दिया जा रहा था उसी के तहत फिर से बिजली दिया जाए, बहाल किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर व्यापक स्तर पर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, गाँवों के अंदर लाइट नहीं है। पिछले 3 दिनों से गाँवों के अंदर लाइट नहीं है, लाइट में सुधार किया जाए। और 3 दिन के अंदर यह सुधार बिजली विभाग के द्वारा नहीं किया जाता है तो आटा चक्की संचालक संघ सिंगरौली, जो आम आदमी पार्टी जिला इकाई सिंगरौली, बिजली विभाग का घेराव करेगी और तालाबंदी करने का काम करेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।